Good morning to all of you and welcome to my lecture Chemistry with Ashish Arora. Today we will continue of chapter number 6, that is haloalkane and haloarenes. See, iske andar hume ek topic padhai karna hai, that is known as stereochemistry. Stereochemistry mein actually it is not from haloalkane and haloarene mein se nahi hai, wo ek special isomerism ka topic hai. Let's understand. Before we understand that stereochemistry, हमें एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए. सपोज हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है. मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये हो जाता है द लाइट विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ वेवलेंथ, लाइक येलो कलर और स्पेसिफिकली ब्लू कलर और रेड कलर, समथिंग लाइक दैट. सपोज वी हैव मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड लाइक दिस डिफरेंट प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन. इसका मतलब ये होता है कि जब ये लाइट प्रोपोगेट करती है उसके प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन अलग अलग है. एक ऐसे वर्टिकल प्लेन है हमारे पास, एक ऐसे वर्टिकल प्लेन में वो प्रोपोगेट करने वाली है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी प्रोपोगेट करती है. इट प्रोपोगेट्स इन डिफरेंट प्लेन्स एज वेल एज ये डायगोनल प्लेन में भी करती है. और ये डायगोनल प्लेन में जितने भी पॉसिबल प्लेन्स होते हैं उसमें ये लाइट प्रोपोगेट करती है. एंड दैट्स व्हाई उसको जब डेपिसेट किया जाता है इस तरीके से किया जाएगा. यहां पे हम ये प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन दिखा रहे हैं. ये जो दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं हमें, प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन कि यहां पे प्रोपोगेट कर रही है. अगर हमारे पास ऐसी लाइट है उसको हम पास करते हैं पोलराइजर थ्रू, विच इज नॉर्मली निकोल प्रिज्म रहेगा. एंड निकोल प्रिज्म के थ्रू जब हम पास करते हैं तब जो ये मल्टीपल प्लेन ऑफ प्रोपोगेशंस थे, अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा था, उसकी जगह पे वह सब के सब एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे. अभी भी मल्टीपल प्लेन है बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक ही डायरेक्शन में सबके सब वर्टिकल में. यहाँ पे सबके सब कैसे वर्टिकल में. एंड नॉर्मली उसको एक ही प्लेन से दिखाया जाता है कि ये पर्टिकुलर एक ही प्लेन में सबके सब प्लेन्स हैं जो प्रोपोगेट कर रहे हैं. तो ऐसी लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज लाइट. व्हाट डू वी कॉल इट, पोलराइज लाइट. जब ये पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं एक सैंपल के थ्रू, कोई भी लिक्विड सैंपल रहेगा, तब ये लिक्विड सैंपल के अंदर जब ये लाइट पास होती है इन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी व्हिच आई एम टॉकिंग टू यू, ये प्लेन, ये पोलराइज्ड लाइट इसके अंदर पास हुई और उसका जो प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन था वो वर्टिकल डायरेक्शन में था. इसके बाद जो पास होने के बाद आपको वही डायरेक्शन में से वो मिल रहा है, इट्स लाइक दिस. ये प्लेन ओके आपका सैंपल है, यहां से पोलराइज्ड लाइट निकल रही है सीधा, उसका प्रोपोगेशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, इट रिमेन्ड सेम. इफ देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन देन ये सैंपल को हम बोलेंगे इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सैंपल. इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सैंपल. दूसरे टाइप के सैंपल में क्या होता है, व्हेन दिस लाइट पासिस थ्रू द सैंपल, दिस प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन जो ओरिजिनली ये डायरेक्शन में था, ये डायरेक्शन से वो चेंज हो जाएगा, राइट की ओर मूव करता है, या तो फिर वो लेफ्ट की ओर मूव करेगा. ओरिजिनल डायरेक्शन ये था प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन का, जैसे सैंपल में से निकला उसका प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन ये हो गया, इट हैज चेंज टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट. ओरिजिनल की कंपैरिजन में वो जा रहा था ऐसे, इसमें से निकला हो गया ऐसे, या तो जा रहा था ऐसे और हो गया. सो इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. अगर वो राइट की, ये दोनों केस में उसको बोलते हैं इट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. व्हाट डू वी कॉल इट, अगर वो राइट हैंड साइड पे मूव करता है, लेट्स से द डिग्री ऑफ रोटेशन इज अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री ऑफ रोटेशन इज अगेन अल्फा, अगर राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं देन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी
Dextro is a Greek word that means is coming from a Greek word called dexter, and dexter means towards right. Dexter means towards right. या तो आप उसको खाली small d से denote कीजिए, या तो positive rotation ऐसा बोलिए. तीन अलग अलग तरीके, पूरा लिखिए dextro, या तो small d, या तो positive. और अगर left hand side पे वो rotate कर रहा है, then it's called levorotatory. लीवो का मतलब होता है टूवर्ड्स लेफ्ट. स्मॉल एल भी बोलते हैं और नेगेटिव भी बोलते हैं. यहां पे जो मैं आपको एक सिंपल सा स्केमेटिक डायग्राम बताया, इट इज दिस स्केमेटिक डायग्राम इज डायग्राम ऑफ पोलरीमीटर. द फंक्शन ऑफ पोलरीमीटर इज टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर ऑप्टिकली एक्टिव है then whether it is dextro rotatory or it is lever rotatory. By using polarimeter we can determine the given sample optically active or not active. Are you understanding that? I want you to write down this.